14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से रांची में बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य के कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि यूएनओ के प्रस्ताव के तहत 1 जनवरी 2016 से विश्व के 193 देशों में मानक को अपनाया है, इसमें भारत भी शामिल है। बादल पत्रलेख ने कहा कि मानक ब्यूरो पर पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने काम किया था और आज की वर्तमान केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लगभग 200 देशों में मनाया जा रहा है। क्या अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। 14 अक्टूबर साक्षी है इस स्टैंडर्ड का। 2015 में जो यूएनओ में प्रस्ताव दिया गया था, ये 17 स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स जो उन्होंने लक्ष्य तय किए थे उसके अनुरूप हम सबको अनुपालन करना है और 1 जनवरी 2016 से 193 देशों ने इसे अपनाया, जिसमें हमारा भारत भी है और हमारी राज्य सरकार भी। मैं अभी सभी उन गोल्स को देख रहा था, 15 से पहले भी इस पर जो पूर्व की भारत की सरकार थी उन्होंने इस पर काम किया और वर्तमान सरकार ने भी इसको बढ़ाने अपने बजटीय या फिर अपने सोच में अपने कार्यकाल में अपने कार्यक्रमों से इसको परिभाषित किया। बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, शांति स्थापित करना और जीवन शैली को सशक्त करना, यही उद्देश्य है। यदि डिफरेंट आयाम को हम देखें, चुनौतियां जलवायु को लेकर है, पर्यावरण को लेकर है, आप सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को संरक्षण देने को लेकर है, शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर है, इन सब चीजों को लेकर है। इसमें अपने अपने कमिटमेंट्स को हम पूरा करते हैं। सरकार से सबको बहुत उम्मीद है और हम हर जगह देखते हैं कि कोरोना की बात सब करते हैं कि 2 साल हम ठहर गए, लेकिन इस आपदा ने हमें बहुत बड़ा अवसर भी प्राप्त किया। हमें समय दिया कि एक बार ठहर जाओ और फिर अपने आप को सोचो, रिचार्ज करो। इस मौके पर जमशेदपुर स्थित भारतीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिक एसके वर्मा ने कहा कि देश में भारतीय मानक ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में कई बैठकों के बाद यह तय किया गया कि कंपनियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को एक मानक के तहत लाया जाए। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे ये काम करती है, एक ISO है, एक IEC है, एक ITU है। ISO जो है वो सारी तरह की स्टैंडर्ड बनाती है, ITU जो है टेलीकम्युनिकेशन पे बनाती है और IEC इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में स्टैंडर्ड बनाती है। तो ये तीनों मिलकर जो है हमारा पूरा जितना भी तरह का स्टैंडर्डाइजेशन होता है वर्ल्ड लेवल पे ये सारा स्टैंडर्डाइजेशन की एक्टिविटी की जाती है उनके तरफ से। इंडिया में हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड बनाते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है और हमारा मेन काम है इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बनाना। इसके अलावा हम लोग उसी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम के द्वारा जो लोगों में प्रचलित है। ISI मार्क से लोग ज्यादा उसको जानते हैं और हॉल मार्क से ज्यादा उसको जानते हैं। तो ये जो शुरुआत हुई ये थोड़ी पहले हुई थी, 1992 में पहली बार एक हमारी मीटिंग हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो उसमें एक बात उठी थी कि क्यों ना हम लोग जो ये मैनकाइंड को रिपीटेटिव प्रॉब्लम होता है उसके लिए कुछ सॉल्यूशन दिया जाए।
बातें चलती रही चलती रही, कम से कम 2-3 मीटिंग इसकी हुई, न्यूयॉर्क में 99 में हुई, फिर कैपेनहेगन, फिर साउथ अफ्रीका में हुई, फिर एक बार 2012 में एक बार फिर से रियो डी जनेरियो में एक मीटिंग हुई, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो वर्ल्ड को जो मेन मेन प्रॉब्लम जो है जो अफेक्ट कर रही है, क्यों ना उसका एक लिस्ट चॉकआउट किया जाए और उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कोई तरीका निकाला जाए, उसके लिए कुछ गोल बनाया जाए, कुछ टारगेट बनाया जाए, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टारगेट बनाया जाए उसको मापने के लिए, हमने कितना इसको अचीव कर लिया है, उसके लिए कुछ नापने के लिए कुछ जो है एक तरीका निकाला जाए।